नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और आज के ऑटोमेशन वीडियो के अंदर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है बैग मेकिंग मशीन का, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आइए चलते हैं देखते हैं। ये बैग मेकिंग मशीन का है जिसके अंदर मैं बैग कन्वेयर के थ्रू ये चलेगा और ये कंट्रोल पैनल है। इसमें फर्स्ट देखेंगे तो आपका 32 एम्पियर की MCB हमने यूज करा है और ऊपर की ओर देखेंगे तो RY इंडिकेटर हमने यूज किया है। कोई भी फेस अगर मिसिंग होगा तो इंडिकेटर नहीं चलेगा। हमने एक RPM मीटर यूज करा है जो कि मल्टी स्पैन का है और मल्टी स्पैन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की इंस्ट्रूमेंटल बनाती है, जिसमें आपका काउंटर मीटर भी होता है, RPM मीटर होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। नीचे दो इंडिकेटर दे सकते हैं जो कि अंदर में लगे हुए ड्राइव की ऑन कंडीशन बताएगा, ऑफ कंडीशन बताएगा। तो चलो अंदर चलते हैं। अंदर की अंदर आते हैं तो इसमें आपको एक LNT CX5HP ड्राइव यूज करा है और इस ड्राइव की एक अंदर में खासियत यह है कि इसका जो डिस्प्ले है वो अलग से मिलता है। इससे हमें फायदा क्या होता है, एक तो हम प्रोग्रामिंग कर ही सकते हैं और बॉक्स में अगर जरूरत पड़ता है तो हम इसको बाहर भी लगा सकते हैं। और इधर साइड में फैन यूज कर रखा है, दूसरी साइड भी हमने फैन यूज करा है और इस बीच में हमने DVR यूज करा है। DVR हमने इसलिए यूज करा है कि कन्वेयर होने की कंडीशन में अगर कभी इमरजेंसी या सडनली हमें ब्रेक लेना पड़े तो बहुत ही आसानी से ये ब्रेक हो सके। और ये कंडक्टर यूज कर रखा है क्योंकि इस पैनल के अंदर में एक वाइब्रेशन मोटर लगाया गया, उस मोटर को ऑन और ऑफ करने के लिए लगाया जाए। साथ ही इसमें हमें, क्योंकि मशीन काफी लंबी है तो हमें अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग जगह से इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, तो ऑन ऑफ करने के लिए हमने इसमें 3 रिमोट यूज करा है। तो वो रिमोट आपको दिखाता हूँ और रिमोट के जो फंक्शंस है वो फंक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस रिमोट के अंदर में ये ऑफ बटन है, ये ऑन बटन है जो कि ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के काम करता है। और स्टार्ट करने के कंडीशन में स्पीड अप करना है तो इस बटन के जरिए जिस पे अप लिखा भी है, डाउन करने के लिए यूज करा जाता है। कभी मशीन की सेटिंग अगर हमें करना पड़ता है तो इंचिंग यूज करते हैं ताकि जितनी देर हम इस बटन को प्रेस करके रहेंगे हमारा स्लो स्पीड में धीरे धीरे हमारी मशीन चलता रहेगा। नीचे के पार्ट के अंदर में, क्योंकि इसमें वाइब्रेटर मोटर यूज करा गया है, वो मोटर को ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए यूज करा जाता है। ये इमरजेंसी बटन है जो कभी इमरजेंसी केस में हम सडनली इसको ऑफ करते हैं और सारी चीजें ऑफ हो जाता है। ये इंडिकेटर लगाया गया है जो कि हमें ये दिखाता है कि इस पैनल के अंदर में पावर आ गया। इसी तरीके से 3 अलग अलग डिफरेंस है रिमोट है। इस रिमोट में भी सेम फंक्शंस है और उस फंक्शन से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर में भी है ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं और मशीन पे ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हमने पैनल बनाने की कोशिश करा है और ये सक्सेसफुली हमने टेस्टिंग कर लिया है। तो थैंक यू।